बहुत दिनों से मैं पर्सनली आईकू के दो स्मार्टफोन्स आईकू Z3 और आईकू 7 यूज कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें टेस्ट कर रखा हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ आईकू के बारे में जिससे सुनकर कि आपको लगेगा कि मैं फंस चुका हूँ पूरा क्लियर। बेसिकली ऐसे कस्टमर अगर हम एक न्यू स्मार्टफोन लेना चाहेंगे, वो चाहे अगर 20,000 का हो, 25,000 का हो, 50,000 का हो, लेकिन अगर वो न्यू ब्रांड है तो हमको एक टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन चाहिए होगा और उसके साथ में एक रेगुलर अपडेट्स। और शुरू में भाई मेरे साथ आईकू 7 के साथ भी यही बहुत सारी अलग अलग अपडेट्स आए, एंड्रॉइड 12 का भी अपडेट आ गया, लेकिन अब कुछ टाइम यूज करने के बाद मैं थोड़ा सा फंस चुका हूं क्योंकि अब भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए यहां पे एंड्रॉइड 12 के अपडेट्स के बाद। यहां पे इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो थोड़ा सा मतलब डिक्रीज हो गया। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, जो बग्स है ना वो भी मतलब आप लोग देखो जब भी स्क्रीन लॉक पे रहेगा और अगर कॉल लगा हुआ रहेगा तो यहां पे कुछ अजीब लग रहा है। यहां पे स्क्रीन भी आ रहा है, फिंगरप्रिंट आइकन भी आ रहा है और कॉल डिस्कनेक्ट भी आ रहा है, मतलब ऐसा पहले नहीं हुआ करता था लेकिन अब ये चीज है। बहुत सारी ग्लिचेस भर चुके स्मार्टफोन्स में, बग्स हैं बहुत तरह तरह के। और क्योंकि पर्सनली मेरे हिसाब से आईकू एज ए न्यू ब्रांड अभी है और उसे ग्रोइंग पीरियड में अभी है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने आप को मतलब अच्छा से कस्टमाइज करके, मतलब अपडेट्स को चेकआउट करके फिर से अपडेट को रोल आउट करना चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसे न्यू ब्रांड्स के हिसाब से मतलब आईकू मेरे हिसाब से तो अब फेल हो सकता है। वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप आईकू के स्मार्टफोन्स कभी लोगे ही नहीं, लेकिन भी आगे बढ़ते हैं। ऐसे ब्रांड दोस्तों अगर मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे हर एक ब्रांड को एक अच्छा कम्युनिकेशन बना करके रखना चाहिए उसके कस्टमर के हिसाब से, और ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। और सबसे मेन बात है अगर वो एक न्यू स्मार्टफोन ब्रांड है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स ये चाहते हैं कि वो डायरेक्टली आप लोगों से मतलब इंटरेक्ट कर पाए, क्वेश्चन पूछ पाए आपके अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और उसका एक रिप्लाई आना चाहिए आपकी तरफ से। मतलब कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा मतलब मैटर करता है और उसे काफी तगड़ा ट्रस्ट बनता है, और ये चीज मेरे हिसाब से आईकू में मुझे थोड़ा मिसिंग लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग जगह पे मतलब ट्राई किया, रिसर्च किया, तो पता चल रहा है कि मतलब आईकू का मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो उतना ज्यादा तगड़ा नहीं है। तो आईकू वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ट्रस्ट जितना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप न्यू स्टार्टिंग मार्केट में हो तो। और ये चीज आईकू एज ए ब्रांड अगर लॉन्ग टर्म तक अगर चलना है तो यहाँ पे बैड इंपैक्ट पड़ सकता है और आईकू शायद फेल भी हो सकता है, क्योंकि मान लो ना आपके पास दो स्मार्टफोन से, एक एप्पल का 80,000 का और एक पोको का 80,000 का, आप किसे प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली दोस्तों हम सभी लोग एप्पल का प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसके साथ जो कनेक्शन है, उसके साथ जो ट्रस्ट है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर हम कंपेयर करें पोको के स्मार्टफोन्स में तो यहीं से हम लोग समझ जाते हैं कि मतलब कितना ज्यादा ये चीज मैटर करता है। सेम चीज वही अगर आईको अभी फ्लैगशिप में अगर 60,000 से लेकर के 65,000 तक स्मार्टफोन्स को लॉन्च नहीं करके अगर 30,000 to 35,000 के मतलब रेंज को अगर कैप्चर करे तो लोग उसे एक चांस दे भी सकते हैं, क्योंकि प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि न्यू ब्रांड है। और मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है, एज ए न्यू ब्रांड अगर हम एक मिड रेंज स्मार्टफोन रेंज में अगर अगर कैप्चर करें, वो प्राइस सेगमेंट को अगर कैप्चर करते उसे में अगर बेस्ट प्राइस में अगर तगड़ा स्पेक्स देते हैं तो वो मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। वैसे यहां से दोस्तों एक और चीज क्लियर हो जाती है कि जब तक आप मार्केट में एक अच्छा ब्रांड वैल्यू नहीं बना लेते हो तब तक आप मिड रेंज पे कैप्चर करो, क्योंकि वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है कैप्चर करने का, और फिर फ्लैगशिप पे कौन जाने से रोका है भाई। अभी हमारे इंडिया में प्राइस के हिसाब से स्पेक्स होना बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी अभी थोड़ा फीका पड़ गए हैं जैसे सैमसंग सब हो गया, और क्योंकि सबसे बेस्ट स्पेक्स देने वाला जैसे MI, पोको, रियलमी ये सभी भी ज्यादा ग्रो कर रहा है, और एक ये एक एक फोन भी नहीं भाई दो दो फोन लॉन्च किया जा रहा है। सेम वेरियंट्स को 4G में लॉन्च किया जा रहा है और सेम वेरियंट को 5G में लॉन्च किया जा रहा है, ताकि मतलब ऐसा स्पेक्स प्रोवाइड जाए जिससे मतलब कंज्यूमर जिसको जो नीड है वो उस हिसाब से मतलब उसे परचेस करे। और क्योंकि भाई सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स के मतलब स्मार्टफोन्स में तो इतना सारा ऑप्शन है कि भाई पूरा कंफ्यूजन ही फैल जाओ, समझ में भी नहीं आता है कि रियलमी 8 लू कि रियलमी 9 लू कि 7 लू, क्योंकि हर दिन यहाँ पे भाई हर एक ब्रांड का यहाँ पे नया स्मार्टफोन आया जा रहा है, कल एक लॉन्च हुआ तो आज फिर एक लॉन्च हुआ जा रहा है। और सेम अगर आईकू भी ये सेम प्रोसेस अगर करता रहा तो आईकू भी सीधा डेड हो जाने वाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैला जाओगे मार्केट में तो मतलब आदमी के पास ऑप्शन ही बचेगा, क्योंकि वो चाहेगा तो ये परचेज करो या फिर ये परचेज करो, और कंफ्यूजन में ले जाके मतलब वो इधर उधर मतलब एक कंफर्म नहीं खरीद पाएंगे कि हमको मेनली करना क्या है। और ये पर्सनली मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आईकू 7 की लॉन्चिंग के बाद यहाँ पे दनादन फोन लाए जा रहा है, आईकू Z6, कभी Z3, कभी आईकू 9 Pro, 9 SE, और सच में भाई अगर ऐसा चलता रहा तो आईकू बहुत जल्द फेल हो जाने वाला है। और बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे 6 मंथ से मैं आईकू के
स्मार्टफोन ही यूज कर रहा हूँ। अगर रिजल्ट जानना है तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो, नहीं तो लेफ्ट वाले पे आईकू 7 और आईकू 9 SE पे बहुत तगड़ा ओपिनियन दिया हूँ, मत छोड़ना उसे।